अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुकाश अकरम और आज की वीडियो में हम जानेंगे 30 इस्लामिक अल्फाज और उनकी स्पानिश। मतलब अगर हमने अपने दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में किसी स्पानिश से बात करनी है तो ये जो बेसिक अल्फाज हैं वो हमें मासूमिनों से वो सुनार होने चाहिए या हमें उनका पता होना चाहिए कि इनको क्या कहते हैं। आज के इन 30 अल्फाज में से पहला लफ्ज है हमारे पास, वो है रेसार। रेसार किसको कहते हैं? नमाज पढ़ने को। नमाज पढ़ना रेसार। Tenemos que rezar 5 veces al día. Ya debemos rezar 5 veces al día. अगला लफ्ज है ayunar. Ayunar होता है रोजा रखना। जब रमजान के महीने में अगर कोई आपसे पूछे estás ayunando, तो इसका मतलब है कि क्या तुम रोजा रख रहे हो, तो ayunar हो गया रोजा रखना। अगला लफ्ज है हमारे पास ला लिमोसना। ला लिमोसना कहते हैं खैरात को, जक़ात को। तो ये हमारे जो दीन के, हमारे मजहब के जो पांच जो पिलारे हैं उनमें से नमाज हमने बता दी, रोजा भी हमने बता दिया, जकात इसको लिमोसना कहते हैं, और हज को कहते हैं पेरेग्रिनación a la Meca। Todos los que podamos o económicamente podamos debemos realizar la peregrinación a la Meca. Peregrinación a la Meca, peregrinación a la Meca, हज करना। अगला लफ्ज हमारे पास ला लिमोसना, एक मरतबा फिर ये मैंने आपको बता दिया, ला लिमोसना खैरात। अगला लफ्ज है प्रोफेता। प्रोफेता कहते हैं जो पैगंबर हैं उनको। तो नुस्त्रो प्रोफेता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एल उल्टिमो प्रोफेता दे इस्लाम, पैगंबर। अगला लफ्ज हमारे पास वो है सैक्रिफिसियो। सैक्रिफिसियो कहते हैं कुर्बानी देने को। हacer sacrificio, sacrificio हो गया कुर्बानी, realizar sacrificio, hacer sacrificio, ये हो गया कुर्बानी करना। अगला लफ्ज हमारे पास मेस्कीता। मेस्कीता कहते हैं मस्जिद को। क्रेयेंटे, क्रेयेंटे कहते हैं जो अल्लाह को मानता हो, मोमिन। मोमिन को कहते हैं क्रेयेंटे, जो किसी भी मजहब पे अमल करता हो। क्रेयेंटे हो सकता है ये क्रिश्चियनों में भी, जो क्रेयेंटे होगा जो कैथोलिसिज्म पे अमल करता होगा उसको क्रेयेंटे कहते हैं, और इसी तरह इस्लाम में भी जो इस्लाम पे चलता होगा, जो मजहब को मानता होगा उसके ऊपर अमल करता है तो उसको कहते हैं क्रेयेंटे। यो सोय क्रेयेंटे, तू एरेस क्रेयेंटे या नो एरेस क्रेयेंटे, वेते साबर तू। अगला लफ्ज है पोस्ट्रार से। पोस्ट्रार से कहते हैं सजदा करना। सजदा करना पोस्ट्रार से। अगला लफ्ज है अब्लुसियन। अब्लुसियन कहते हैं वुजू करने को। वुजू करना अब्लुसियन। एंखुआगार, एंखुआगार कहते हैं कुरली करना। कुरली करना या कुरली करना, कली ये मतलब ये वो पेश मुझे नहीं मिल रही थी किस तरह से पेश डालूं, तो ये होता है जब हम वुजू करने के लिए कुरली करते हैं तो उसको कहते हैं एंखुआगार। अगला लफ्ज हमारे पास अल्फोम्ब्रा दे रेसार। अल्फोम्ब्रा दे रेसार, अल्फोम्ब्रा क्लीन कह लें या ये जो चटाई होती है इसको कह लें, और दे रेसार नमाज पढ़ने के लिए। तो इससे क्या हुआ, जाय नमाज कह लें या वो मसल्ला जिस पे हम नमाज पढ़ते हैं उसको हम कह सकते हैं अल्फोम्ब्रा दे रेसा। रेसितार एल कुरान। रेसितार एल कुरान हो गया, रेसितार होता है किसी भी चीज की मतलब किसी चीज को पढ़ना। तो अगर हम मजहब के लिहाज से, दीन के लिहाज से इसको देखें तो वो रेसितार एल कुरान हो गया, कुरान की तलावत करना। सुप्लिकार, तो इसका मतलब है दुआ मांगना या दुआ। सुप्लिका दुआ, सुप्लिकार दुआ मांगना या करना। अगला लफ्ज है रोसारियो। रोसारियो कहते हैं तस्बी को। रोसारियो तस्बी। अगला लफ्ज है मिलाग्रो। मिलाग्रो कहते हैं मोजे को, मतलब कोई भी काम जो किसी मोजे से कम ना हो तो वो मिलाग्रो होता है। अगला लफ्ज है अब्स्टेनर से। अब्स्टेनर से कहते हैं किसी भी चीज से रुकना, परहेज करना, अब्स्टेनर से। अगला लफ्ज है पेकादो। पेकादो कहते हैं गुनाह को, गुनाह पेकादो, और गुनाह करना पेकार। यो पेको, मैं गुनाह करता हूं, तू पेका सेल पेका पेका। अगला लफ्ज हमारे पास फुनेराल। फुनेराल कहते हैं जनाजा। फुनेराल जनाजा। एंटेरार, एंटेरार दफनाना, दफन करना। अगला लफ्ज है दिया दे हुइसियो फिनाल। दिया दे हुइसियो फिनाल, दिया दिन दे हुइसियो इंसाफ का फिनाल आखिर। तो ये हो गया क्यामत का दिन या क्यामत का रोज। अगला लफ्ज है मिसेरिकोर्डिया। मिसेरिकोर्डिया कहते हैं रहम को।
तो हम जब दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला से हम क्या मांगते हैं, मिसेरिकॉर्डिया, पाशियंसिया। पाशियंसिया कहते हैं सबर को, पाशियंसिया, टेन पाशियंसिया, सबर करो। अगला लफ्ज है अरेपेंटिमिento। अरेपेंटिमिento कहते हैं तोबा को, अरेपेंटिरसे, तोबा करना, अरेपेंटिमिento, तोबा। पेसामे, पेसामे कहते हैं हमदर्दी को। जब कोई बीमार होता है या किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसके साथ हम हमदर्दी जितलाना चाहते हैं, तो हम उस कहते हैं पेसामे कुंती को, या मेरी हमदर्दी से, मेरी सारी हमदर्दियां जो है वो तुम्हारे साथ। अगला लफ्ज है इम्पुटाशन फालसा। इम्पुटाशन फालसा कहते हैं बुहतान को, किसी के ऊपर मतलब गलत इल्जाम लगाना, इम्पुटाशन फालसा। और ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें 30 अल्फाज थे लेकिन एंड पे मुझे लगता है वो 28 ही रह गए, क्योंकि दो लफ्ज जो है वो शुरू में रिपीट थे। उम्मीद करता हूँ कि ये इन अल्फाज में से कुछ ना कुछ आपके लिए नए होंगे और आपको सीखने का मौका जो है वो जरूर मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।